हेलो गाइस, मैं हूँ कैफ फ्रॉम नोएस्टेक। ये है फायरबोल्ट की नई वॉच विजनरी। ये ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले सेल के टाइम लॉन्च हुई थी। हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि भाई इसको एकदम दिल से यूज किया है आपके लिए और आपको काफी सारी चीजें इस वीडियो में बतानी है। सबसे पहले डब्बा खोला जाए। इस ग्रे वाली को हमने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है, इस वीडियो में ये ब्लैक वाली को अनबॉक्स किया जाए। तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले एक आपको पन्नी मिल जाती है जिसको आपको फाड़ना है। यहाँ पे सबसे पहले आप सामने देख सकते हो, आपको वॉच फायरबोल्ट विजनरी ब्रांडिंग्स वाइंडिंग्स दिख जाएगी। ये साइड पे फायरबोल्ट लिखा है, ये साइड पे कुछ की हाइलाइट्स मिल जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पे ऊपर भी आप देख सकते हो, आपको काफी सारी की हाइलाइट्स लिखे दिख जाएंगे। हो गई अनबॉक्सिंग। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी वॉच मिल जाएगी, उसके बाद अंदर में यहाँ पे एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा का बुक माय शो का कार्ड मिल जाएगा, ये आपका बोल्ट प्ले का सब्सक्रिप्शन कार्ड, ये गाना का सब्सक्रिप्शन कार्ड, बहुत सारे कार्ड, ये भाई लंबी सी यूजर मैनुअल। उसी के साथ साथ आपको ये पोगो पिन का चार्जर मिल जाएगा। वस्त्र उतारे जाए। ये है फायरबोल्ट विजनरी का ब्लैक कलर और ये वाला है डार्क ग्रे वाला कलर। दोनों ही कलर्स काफी अच्छे दिख कर आते हैं। मुझे हमेशा ब्लैक कलर ज्यादा पसंद आते थे, बट इस बार ये ग्रे वाला थोड़ा सा अच्छा दिख कर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको एक सिंगल बटन मिलेगा राउंड वाला, यहाँ पे आपको फ्लैट बटन मिल जाएगा, ये साइड पे आपको स्पीकर मिल जाएगा एंड ये दोनों बटन के बीच में छोटा सा आप यहाँ पे देख सकते हो माइक मिल जाता है। यस, ये एक कॉलिंग वॉच है। डिस्प्ले के ऊपर ये एक पन्नी है, इसको हटा दिया जाए। वॉच भाई काफी डिस्प्ले चमक रहा है। पीछे आपको इसके सारे सेंसर्स मिल जाएंगे जिसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। एंड यस, इसमें आप देख सकते हो इसमें एप्पल वॉच वाला स्ट्रैप लगता है, काफी टाइट है। 2 hours later. इसमें आपको Apple Watch का 44mm वाला स्ट्रैप लगाना पड़ेगा। लगाने वाला मैकेनिज्म भी काफी इजी है, बस अंदर स्लाइड कर दो और ये लग जाएगा, पर थोड़ा सा टाइम लगता, ताकत लगती है। ये वॉच आपको मेटालिक मिलेगी, यहाँ आप देख सकते हो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ साथ यस, पीछे थोड़ा सा प्लास्टिक मिलता है, ये पार्ट ज्यादा एक्सपोज होता नहीं है इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ और हल्का फुल्का कॉस्ट कटिंग की गई है यहाँ पे। उसी के साथ साथ ये जो सिंगल बटन है ये ऐसे घूमता है, आवाज भी करता है और ऐसे घूमते घूमते आप देख सकते हो ये वॉच फेस चेंज कर लेता है। मेन्यू में जाओगे तो ये मेन्यू में भी आपको स्क्रोलिंग वोलिंग वाले फीचर दे देता है। उसी के साथ साथ नीचे वाला बटन ये डिस्प्ले वेक एंड स्लीप का काम कर लेता है। फायरबोल्ट ने यहाँ पे दी है आपको IP68 की रेटिंग, जिसका मतलब पानी वाली से कोई प्रॉब्लम नहीं, स्विमिंग विमिंग लेके जा सकते हो, बट याद रखना कोई भी कंपनी आपको वाटर डैमेज पर वारंटी या क्लेम नहीं देती है। बात किया जाए डिस्प्ले, फायरबोल्ट ने यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसके कारण आप देख सकते हो यहाँ पे बेजल वेजल ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा भाई पूरा एक डिस्प्ले काफी अच्छा दिखता है। AMOLED डिस्प्ले के कारण काफी अच्छे कलर्स वॉलर्स दिख कर आते हैं एंड इस वॉच के ऊपर आपका ऑलिजॉन डिस्प्ले भी अच्छा दिख कर आता है। ऑलिजॉन डिस्प्ले इंडोर इंडोर में प्रॉब्लम नहीं देता है, आउटडोर में शायद आपको इतना ज्यादा क्लियर ना दिखे। फायरबोल्ट ने इस बार नीचे के नॉच को भी काफी कम किया है, जो मुझे काफी सही चीज लगी। 368x448 का रेजोल्यूशन है, जिसके कारण डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी शार्प है। डिस्प्ले से सच बताओ मुझे जीरो इश्यूज लगे और आप यहाँ पे देख सकते हो टच रिस्पॉन्स भी डिस्प्ले का काफी अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, सारे ही स्वाइप्स एकदम स्मूथ हो जाते हैं एंड आपको रेस्ट टू वेक यूज करना है तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद रखना पड़ेगा। फायरबोल्ट ने एक और अच्छा ऑप्शन यहाँ पे ये दिया है, वो है TWS पेयरिंग। आपको बस ये म्यूजिक प्लेयर में जाना है एंड यहाँ पे आपको नीचे ये ऑप्शन दिख जाएगा ब्लूटूथ का, ये ब्लूटूथ सर्च करेगा एंड आप अपने डिवाइस से पेयर कर सकते हो। यहाँ पे लोकल म्यूजिक थोड़ा सा एड कर सकते हो एंड अपने TWS या नेक बैंड के ऊपर सुन सकते हो। ये फीचर बहुत ही कम वॉचेस में मिलता है आपको एंड डेफिनेटली मुझे काफी सही लगा है। इस वॉच का UI मुझे एकदम स्मूथ लगा, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर कोई भी स्वाइप आप देखोगे आपको एकदम स्मूथ दिखेगा। ऊपर से नीचे आपका छोटा सा मेन्यू खुल जाएगा जहाँ पे आप काफी सारी ब्राइटनेस वाइटनेस की सेटिंग, ये सारी सेटिंग्स में जा सकते हो, चेंज कर सकते हो। राइट पे गए तो आपका स्टेप्स का डेटा, स्लीप का डेटा, हार्ट रेट, BP, SpO2, फोन कॉल, AI वॉइस असिस्टेंट, ये सारी चीजें दिख जाती है। लेफ्ट के ऊपर एक छोटी सी ऐसी पैनल खुलती है जहाँ आपकी रिसेंट एप्स खुल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे वेदर डिटेल, शटर डिटेल, म्यूजिक प्लेयर, अलार्म, स्टॉप क्लॉक, उसके बाद टाइमर, वुमेन की मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग मिल जाती है, कैलकुलेटर मिल जाता है, फ्लैशलाइट मिल जाता है, मतलब काफी सारी चीजें यहाँ पे फायरबोल्ट ने दी है। वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी को कम ज्यादा रख सकते हो, ये काफी सही चीज। उसके बाद डिस्प्ले की काफी सारी सेटिंग मिल जाती है, उसके बाद फोन कॉल ऑन कॉल को ऑन कर सकते हो, AI वॉइस असिस्टेंट, उसके साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको क्या चाहिए, एनालॉग चाहिए, डिजिटल चाहिए, वो चीज भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स यहाँ पे काफी सारी दी गई है एंड काफी अच्छी दी गई है। ये वाला बटन दबाओ ऊपर का, मेन्यू में जाओगे एंड यहाँ पे नीचे ही आपको एक्सरसाइज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको मिल जाते हैं 100 स्पोर्ट्स मोड, बस ये प्लस पे क्लिक करो एंड कोई भी कैटेगरी में से इसे ऐड कर सकते हो। जैसे विंटर स्पोर्ट में गए आपको ये वाला चाहिए, ये वाला
ऐड कर दिया। यही अब कॉलिंग वाला स्पोर्ट्स मोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसे आप कई सारे स्पोर्ट्स मोड इस वॉच के ऊपर ऐड कर सकते हो, जो एक काफी सही चीज है एंड बहुत ही कम वॉचेस में आपको ये चीज देखने मिलती है। कॉलिंग की बात करो, ऊपर आपको मिलता है रिसेंट कॉल, जहाँ आपके रिसेंट कॉल आप देख सकते हो। डायल पैड में किसी को भी नंबर लगा सकते हो, यहाँ पे ग्रीन बटन बाके कॉल कर सकते हो एंड कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ आप अपने मन चाहे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। मेरी ये ग्रे वाली वॉच में मुझे एक छोटा सा इशू आ रहा था, कॉन्टैक्ट्स ऐड नहीं हो रहे थे, पर इसको रीसेट कर दिया, वो बाद में सही हो गया। कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, सामने वाले को आवाज जाती भी है, उसकी सामने से आवाज बराबर आती भी है। एक बनर भाई की वीडियो यहाँ पे देखो, पर बचती इधर है। फायरबोल्ट ने दिए एकदम भाई असली सेंसर। यहाँ आप देख सकते हो SPO2 चालू किया, कोई फेक रीडिंग्स हमें नहीं मिलती है, इसका मतलब भाई सेंसर असली है। SPO2 में यहाँ पे आप अंदर जाओगे, ऐसे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे रेड लाइट देखने मिलेगी, जिसका मतलब यहाँ पे असली सेंसर भाई दिया गया है। उसी के साथ साथ ऐसी चीज अगर आप हार्ट रेट में भी करोगे, ऐसे टेबल के ऊपर रखा एंड रीडिंग देखोगे, तो आपको फालतू रीडिंग नहीं मिलती है, मतलब भाई एकदम असली सेंसर है यहाँ पे। भाई SPO2 सेंसर की एक्यूरेसी की बात करें, अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर से कंपेयर करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे पल्स ऑक्सीमीटर पे आ रहा है 96-97% के आसपास। उसी के साथ साथ हम इस विजनरी के ऊपर देखे तो 97% आ रहा है एंड यहाँ पे भी मुझे 96-97 आ रहा है। बीपी मॉनिटरिंग पे मैं इतना ज्यादा रिलाय नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भाई आपको एक प्रॉपर बीपी की मशीन चाहिए, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना रिलाय नहीं करता हूँ एंड कोई भी वॉच आपको बीपी मॉनिटरिंग इतना एक्यूरेट नहीं देगी, ये चीज आपको याद रखनी है। उसी के साथ साथ हम हार्ट रेट की बात करें, मशीन पे आप देख सकते हो पल्स ऑक्सीमीटर पे मुझे 90 आ रहा है एंड वॉच के ऊपर मुझे 92 आ रहा है। 100% यहाँ पे फायरबोल्ट ने आपको एकदम भाई पक्का असली सेंसर दिए हैं। इस फायरबोल्ट विजनरी में आपको AI वॉइस असिस्टेंट मिलता है। सपोज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका AI वॉइस वाला ऑप्शन है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरे भाई नथिंग फोन में गूगल असिस्टेंट लॉन्च हो गया। ऐसे कुछ आप कमांड दे सकते हो गूगल असिस्टेंट को एंड कुछ भी कर सकते हो। भाई इसका रिव्यू कमिंग सून। अब अगर हम डाफिट के ऐप की बात करें, तो डाफिट का ऐप भी यहाँ पे काफी अच्छा है। सामने आपको पूरा डेटा देखने मिल जाएगा आपका दिन भर का, यहाँ पे वॉच की सेटिंग्स है, वॉच पेजेस, नोटिफिकेशन सेटिंग, अलार्म, शटर, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, अदर ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। ये अदर वाले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ आपको काफी सारी चीजें मिलेगी, कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी आप यहीं से ऑन कर सकते हो। बैटरी लाइफ की बात करूं, तो ये वॉच की बैटरी लाइफ मुझे काफी डिसेंट लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे, ऐसे 2 दिन के आसपास आराम से चल जाती है। अगर आप कॉलिंग फीचर यूज कर रहे हो, 24 आवर हार्ट रेट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है और उसके साथ फुल ब्राइटनेस है, एंड अगर आप कॉलिंग फीचर नहीं यूज कर रहे हो, देन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3-4 डेज की बैटरी लाइफ, विच इज वेरी गुड बैटरी लाइफ। वॉच थोड़ी सी जाड़ी है शायद, इसलिए थोड़ी सी आपको बड़ी बैटरी दी गई है, पर डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है अच्छी वॉच है ये। 3,800 रुपए में लॉन्च हुई है, 100% वो तो एक बहुत ही अच्छा प्राइस है। 5,000 रुपए बाद में जो हो जाएगा इसका प्राइस, या बढ़ गया होगा अब तक, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ज्यादा प्राइस है, बट फिर भी AMOLED डिस्प्ले, अच्छे फीचर्स है, कॉलिंग है, डिपेंडेबल वॉच है, आप इसके ऊपर रिलाय कर सकते हो। बाय करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।